Morning, students. I'm going to say finally, secondly, and secondly, to the point. In the class, we have a topic of the last lecture, we have a topic of the day. As I'm going to take that, go class, and we have a topic. Metatherium,
एरी मार्टा ये इसका ऑर्डर है ठीक है मेटल के लिए अगर हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे तो मार्सोपिला मार्सोपिला और हम न्यू के लिए अगर ऑर्डर की बात करेंगे इसमें आता है प्लेसेंटेरिया प्लेसेंटेरिया ये तीन ऑर्डर है इसके और इसमें एग्जांपल है पहला एग्जांपल आता है कैलिपेटस ठीक है इसमें एग्जांपल है कैलिपेटस ये एग्जांपल है पहली सॉरी ये एलिमेंट्स द प्लांट बॉडी स्लिप ऑफ द पेटेलिपस ठीक है ये एग्जांपल है इसमें ये हम लोग का प्लेटीपस प्लेटीपस प्ले टीपस स्लिप ऑफ द पेटेलिपस प्लांट का मतलब है फिर मेटा के में आते हैं वो मार्सोपिला जो है इसमें एग्जांपल है कैंगारू और जो प्लेसेंटेरिया में आते हैं इसमें ऑर्डर जो है वो बहुत सारा ऑर्डर है इसमें जो ऑर्डर है इसको हम प्लेसेंटेरिया को अलग से देखते हैं ठीक है मैमलियन को तीन क्लास में डिवाइड किया गया तीन सब क्लास ये इसका सब क्लास ये है ऑर्डर ये भी है ऑर्डर ठीक है एक ऑर्डर हो गया और तो टेरिमाटा और मार्सोपिला हम लोग को देख रहे हैं प्लेसेंटेरिया ऑर्डर में क्या क्या ऑर्डर किया गया ठीक है प्लेसेंटेरिया का Elifas,
मतलब एलिफैंट एलिफैंट को आया फिर आया हमारा सेटासिया सेटासिया में हम इसमें आया डेल्फिन डेल्फिनस इसको कॉमन डॉल्फिन के नाम रखते हैं डेल्फिनस इसको हम बोलते हैं डॉल्फिन डॉल्फिन वाले जो तो हो गया वो आ गए इसमें डेल्फिनस में ठीक है ब्लू वेल भी इसी में आ गए ठीक है डॉल्फिनस आ गया प्लस ब्लू वेल भी है ब्लू वेल ठीक है इसके बाद हम लोग आया ब्लू वेल का कैरनिवोर्स कैरनिवोर्स में आ गए लायन हो गया डॉग हो गया कैट और लायन डॉग कैट ठीक है लायन को पैंथर बोलते हैं डॉग को देखिएगा तो इसको लोग फेलिस डोमेस्टिकस बोलते हैं सॉरी डॉग को देखिएगा तो कैनिस कैमिलरिस बोलते हैं कैट को फेलिस डोमेस्टिकस बोलते हैं ठीक है पैंथर लियो इसको बोलेंगे हम लोग पैंथर लियो लायन को टाइगर को पैंथर टिग्रिस डॉग को आएंगे तो बोलेंगे कैनिस कैमिलरिस और कैट को बोलेंगे फेलिस डोमेस्टिकस ठीक है और जब हम प्राइमेट में आएंगे तो मंकी और ह्यूमन बींग आ जाएंगे कौन आ जाएंगे मंकी और ह्यूमन बींग मतलब एग्जाम्पल में रखेंगे मकाका मकाका इसमें मंकी और ह्यूमन बींग मंकी और ह्यूमन और भी बहुत कुछ आएंगे ये सारे हम लोग के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो आपको बताएगा प्रोटोथेरियस का मतलब होता है कि प्रोटोथेरियस जो हम देखे थे तीन इसका क्लास प्रोटोथेरियस मेटाथेरियम यूथेरियम तो प्रोटोथेरियम में आपको आया था जितने सारे थे वो भी पैरेंट्स होंगे सो मेटाथेरियम में भी पैरेंट्स और यूथेरियम में भी आएंगे भी पैरेंट्स ठीक है फिर आप बहुत सारा इसका है प्रोटोथेरियस का ये था तो मेमोरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट है उसमें भी निपल क्या होगा एब्सेंट होगा लेकिन मेटाथेरियम में ये था तो निपल प्रेजेंट होगा और यूथेरियम में निपल क्या होगा प्रेजेंट प्रोटोथेरियस में आएगा तो वेजाइना और यूटेरस जो होगा वो एब्सेंट होगा लेकिन जब प्रोटोथेरियस में आएगा तो वेजाइना और यूटेरस दोनों डबल मिलेंगे और यूटेरियम में दे आर इन द सिंगल स्ट्रक्चर दोनों किस फॉर्म में रहेंगे सिंगल स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहेंगे प्रोटोथेरियस में स्क्रोटम जो होगा वो एब्सेंट होगा मेटाथेरियम में स्क्रोटम प्रेजेंट होगा बट फ्रंट ऑफ पेनिस होगा पेनिस के आगे होगा लेकिन जब यूटेरियम में स्क्रोटम प्रेजेंट होगा ऑन द साइड बिहाइंड द ऑन द साइड ऑफ बिहाइंड क्लियर कोई दिक्कत नहीं है सारा डिफरेंस था प्रोटेरियंस मेटाटेरियंस और यूटेरियंस के बीच में ठीक है मोर इंपॉर्टेंट थिंग क्या याद रखना है बैलेंस वाले में कि ब्लू व्हेल जो होता है वो लार्जेस्ट लिविंग एनिमल है पैंथेरा टिग्रिस जो है वो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है मैन जो होता है वो डाइकोटॉन होता है साथ दो बार नाम चेंज होते हैं हेटरोडॉन होते हैं और थीकोडॉन होते हैं अलग अलग ब्रैकेट्स के अंदर नाम होते हैं इसके मार्सुपियल जो होते हैं उनके फीमेल जो होती है उनके बेली में पाउंच प्रेजेंट होता है अपने ईयरफोन्स को लेकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करने के लिए ठीक है तो ये सारा हम लोग के पास पॉइंट था मैमेलियंस के लिए ठीक है अब बात आता है कि अगर हम लोग बात करते हैं सबके बीच में स्टिग्यूज की ठीक है तो आपको जितना भी पढ़ाया गया एम्फीबियन रेप्टाइल टैक्सोनॉमी इसके थ्रू आप स्टिग्यूज कर सकते हैं कि सबके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से सब वर्क करता है तो अगर हर्ड की बात करते हैं तो हम पढ़ा चुके हैं थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं एम्फीबियन का हर्ड थ्री चैम्बर्ड रेप्टाइल का हर्ड जो होता है वो थ्री चैम्बर्ड और क्रोकोडाइल थ्री एंड हाफ चैम्बर्ड एबीज का बर्ड बर्ड होता है फोर चैम्बर्ड और मैमल का हर्ड होता है भी फोर चैम्बर्ड होता है लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ब्रीडिंग तो एम्फीबियन जो होते हैं वो ओविपैरस होते हैं रेप्टाइल जो होते हैं वो मोस्टली ओविपैरस होते हैं एब्स जो होते हैं ऑल ओविपैरस होते हैं और मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं मोस्टली मोस्ट फ्रॉम ओविपैरस होते हैं अगर स्केल्स की बात करते हैं तो जनरली स्केल्स होते हैं एम्फीबियन में एब्सेंट होते हैं रेप्टाइल में प्रेजेंट होते हैं एब्स में प्रेजेंट होता है ओनली हाइंड लिंब पे और मैमल्स में जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं कौन स्केल्स इस तरीके से डिस्टिंग्यूज फॉर्म है किसका मैमेलियंस का इन सब का आप देख सकते हैं अगर बात करते हैं रेटिना रेटिना ऑफ ऑल्स ऑल्स रेड एंड बैग ठीक है कंटेन ओनली वन रॉड्स इनके पास में क्या होता है वन रॉड्स होते हैं इसलिए ये लॉन्गिट्यूडनली हैबिटेट होते हैं लेकिन रेटिना ऑफ ऑल्स की बात करते हैं इसके पास एक ही पोन्स होते हैं इसलिए ये डायगोनल होते हैं स्किन ऑफ मैमल जो होता है वो स्वेट ग्लैंड वाइल ग्लैंड मिल्क ग्लैंड बैक ग्लैंड और
एक करके आपका मैमेलियन से कॉर्डिक देखें। तो अब जो पॉइंट आता है अपन मैमेलियन से वो है टू द पॉइंट पोस्चर्स के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है कि इनका पोस्चर्स कैसे पूछा जाता है, किस तरीके से मैमेलियन वाले का पोस्चर हम लोग कर सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आएगा पाइसेज और टेट्रापोड का, एक क्वेश्चन आप खुद से करोगे और व्हाट्सएप करोगे आप लोगों को, उसका आंसर डाइट द डिफरेंस बिटवीन पाइसेज एंड टेट्रापोड, पाइसेज और टेट्रापोड के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है गिव द टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लास एज्स एंड मैनल्स, एज्स और मैनल्स के बीच का दो कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका हो जाएगा वो था फोर्थ चैम्बर और सेकंड हो जाएगा वो था वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। एक क्वेश्चन और व्हिच टाइप ऑफ आरबीसी इज प्रेजेंट इन मैनल्स, तो बर्ड में आपने पढ़ा था, ठीक है। यहां पे क्या है कि जो बर्ड्स होता है उसके अगेंस्ट चलेंगे, सेलुलर होगा, बाइकॉन्केव होगा और नॉन लीनिएटेड होगा, ठीक है। कैमल्स में जो होते हैं वो आरबीसी ओवल्स है, एक्सेप्शंस है जो कि आप याद रखोगे, ठीक है। इतना सारा पॉइंट्स था आपके पास आइसेज के अकॉर्डिंग, सॉरी मैमेलियंस। अब हमारे पास पॉइंट आता है और क्या क्या एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो मैमेलियंस में अगर और एग्जांपल हम लोग लेना है तो हम लोग ले सकते हैं, जैसे यूथेरिया की अगर बात करते हैं तो यूथेरिया में अगर टेंटर फॉर्मूला पूछा 3143 होता है, ठीक है, 3143 और नीचे भी 3143 होता है, मतलब टोटल 44 टीम्स होते हैं। ये क्वेश्चन एक स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। कुछ कॉमन नेम की लिस्ट है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से आपको क्या कर सकते हो बना सकते हो, ठीक है। तो कॉमन नेम की लिस्ट में हम लोग आते हैं क्या क्या है देखते हैं। Pen,
कुछ कॉमन है वाले क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग का एनिमल किंगडम जो सेक्शन था वो एंड हुआ। एनिमल किंगडम में आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कॉमन नेम के, कुछ ऐसे जाएंगे तो पढ़ाने के समय पॉइंट से मिस भी हो जाता है, स्लिप ऑफ में माइंड हो गया तो छूट गया। तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली कॉमन नेम वाले पॉइंट सबको टिक करते रहोगे और आप उसको अंडरलाइन करके याद करोगे क्योंकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं आप एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस करो। एक नंबर का एनिमल किंगडम का कुछ स्पेशल क्वेश्चंस का फिर लेक्चर आएगा जिसमें हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे एनिमल किंगडम का और देखेंगे कि वो कैसे उसको हैंडल करना है और किस तरीके से याद करना है, ठीक है। नाउ चैप्टर एनिमल किंगडम विल बी फिनिश्ड एंड द नेक्स्ट टॉपिक द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्टेड इज एनिमल टिश्यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।